नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग मांडू में जारी है। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रकोष्ठ, प्रदेश संयोजक और विभागों के प्रदेश संयोजक शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मांडू में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग को लेकर कहा कि पार्टी संगठन और जनता के बीच सीधा समन्वय के लिए अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को समय समय पर प्रशिक्षित करती है। इसके तहत ही आयोजन आज मांडू में किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है इस प्रशिक्षण को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां मौजूद हैं। 3 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन की ओर से अपने नव निर्वाचित सभी प्रकोष्ठों के इनके लिए यही हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ मौजूद है। 3 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन की ओर से अपने नव निर्वाचित सभी प्रकोष्ठों के इनके लिए यही हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ मौजूद हैं। 3 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन की ओर से अपने नव निर्वाचित सभी प्रकोष्ठों के इनके लिए इस वक्त हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी अध्याप शेख इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अध्याप, क्या कुछ जानकारी इस बीजेपी के प्रशिक्षण को लेकर है और क्या अपडेट? पराग, इस वक्त मैं मांडू में मौजूद हूं, धार जिले का मांडू जो कि पर्यटन स्थल है और यहां पर बीजेपी का 3 दिवसीय परिषद सत्र चल रहा है। लगातार ये कहा जाए 3 दिन तक के नए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रदेश के और देश के नामचीन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। सुबह भी वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि ये रूटीन का है, जिसमें कि हम हर बार अपडेट ये करते रहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं और लोगों को अपडेट रखें आज के जमाने के हिसाब से। जाहिर सी बात है, इस सभी समन्वय को लेते हुए ये प्रशिक्षण सत्र रखा गया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये आ जाता है कि सत्ता, संगठन, जनता और नेता, इन सबके बीच का जो समन्वय है वो स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें तमाम सारे पहलुओं के ऊपर अलग अलग सत्र रखे गए हैं। पहले सत्रों की मैं जानकारी आपको देता हूं कि आज लगभग 5 सत्र हुए इनॉग्रल सेशन के साथ। इनॉग्रल सेशन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, हितानंद जी मौजूद थे, संगठन मंत्री और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता और जो ये कहा जाए कि प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष थे वो यहां मौजूद थे। सत्र शुरू होते गए, सत्रों के साथ में प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण का बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि उस प्रशिक्षण में सीधे तौर के ऊपर अपडेट किया जा रहा था हर चीजों के ऊपर। मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि अब यहां लगभग ये समझ लीजिए कि सेशंस खत्म होने वाले हैं और अभी मैं फिलहाल मौके पर मौजूद हूं। ये जहाज महल होटल या रिसोर्ट कहा जाता है जहां पर ये सत्र आयोजित किए गए थे। कल का भी सत्र रहेगा, कल के सत्र में कैलाश विजयवर्गीय के आने की संभावना बताई जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे, लाल सिंह आर्य यहां मौजूद रहेंगे। रोजाना के सेशन इसी तरीके से चलते जाएंगे, 3 दिवसीय ये सत्र रहेंगे। इन सत्रों के अंदर साफ तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़े लीडर्स हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण देते नजर आएंगे, इंस्ट्रक्शंस देते नजर आएंगे। आज के सेशंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को जनता तक पहुंचाना, सरकारी योजनाओं को जनता तक किस तरीके से पहुंचाना, देश में चल रही विघटनकारी ताकतों से निपटने का तरीका कौन सा अपनाया जाए, साथ ही साथ सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ मिलाकर जो वोट परसेंटेज है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, इसमें साफ तौर के ऊपर इसका इंडिकेशन आज सुबह ही वीडी शर्मा ने दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राजनीतिक पार्टी है, लिहाजा चुनाव की चर्चा भी होगी। जाहिर सी बात है, चुनाव की चर्चा हुई, चुनाव की स्ट्रैटेजी 2023 को लेकर भी की गई, 2024 को लेकर भी की गई। तो ये प्रशिक्षण, ये कहा जा रहा है कि अपडेशन ऑफ एवरी वर्कर, यानी हर कार्यकर्ता को एक अपडेट वर्जन दिया जाता है, हमेशा अपडेट करने की
कवायद की जाती है और यही कवायद पहले पंचमढ़ी में ऑर्गेनाइज की जानी थी लेकिन वहां मौसम खराब था इसके कारण इसे मांडू में शिफ्ट किया गया। मांडू का थोड़ा सा इतिहास बताऊं, प्राचीन नगरी है, 12वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी की नगरी है, इसे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड इलाका माना जाता था उस दौर के अंदर। लेकिन आज ये तस्वीरें फिर बयां करती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन और जो ये कहा जाए कि आवाजाही है और रौनक जो है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। ये प्रशिक्षण निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सभी कार्यकर्ताओं को एडवांसमेंट के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में और साथ ही साथ राजनीति के वो गुर जिसमें कि पार्टी का ये कहा जाए कि एजेंडा सामने रखते हुए विकास के कार्यों को सामने रखा जाए। जाहिर से बात है ये प्रशिक्षण लगातार चलेंगे और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अमूमन 5 सेशंस हर रोज के रखे गए, टोटल 16 सेशंस की बात की जा रही है 3 दिन के अंदर, और उन 16 सेशंस के अंदर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पराग, हम ये मान सकते हैं अतियाब कि कैसे अब आने वाले वक्त में, चूंकि जो आप बता भी रहे हैं चुनावों में उतरना है, क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी, कैसे अपना एजेंडा सेट करना है और क्या पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे चलना है, इन तमाम पहलुओं पर संगठन के लोगों से बातचीत चल रही है ताकि जनता तक उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। एब्सोल्युटली पराग, और एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही उद्देश्य जो बताया गया है वो उद्देश्य यही है, क्योंकि देखिए जब तक पार्टी संगठन और जनता के बीच का समन्वय स्थापित नहीं होता निश्चित रूप से उसे वोट में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। और जाहिर सी बात है ये सिंपल स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर या प्रशिक्षण सत्र के अंदर सेशन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को बताई जा रही है। मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहता हूं कि कौन कौन से सेशन में कौन कौन आएंगे। तब तक आप तस्वीरों की तरफ देखिए कि तस्वीरों में अब ऐसा लगता है कि सेशन जरूर खत्म होने वाले हैं, लेकिन कल के सेशंस की तैयारियां की जा रही है। जो कैलाश विजयवर्गीय इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है, मुरलीधर राव इस सेशंस के अंदर आने की बात की जा रही है, साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया, प्रदेश सह प्रभारी श्रीमती पंकजा मुंडे, ये तमाम बड़े नाम हैं जो कि इन 3 दिनों के अंदर मांडू में प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। और एब्सोल्युटली ये कहा जा सकता है कि हर कार्यकर्ता सुनने के लिए भी बैठा है, समझने के लिए भी बैठा है। और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से लगातार मैं दिन भर से बातें कर रहा था। पिन पॉइंट ये होती है कि जो मार्गदर्शन मिलता है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली चाहे आप सियासत की बात करते हैं या आप कहते हैं पार्टी की मजबूती, तो निश्चित रूप से वो ग्राउंड पर नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया आपका अत्याप जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें सीधा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मांडू से।